मणिपुर तो बाद मेरठ च भी हैवानियत दियां हद्दां होईयां पार। महज 16 साल बच्ची दे नाल कीता गया गैंग रेप, 2 साल तक उसे प्रेमी दे वलों ही बनाया गया उसनू शिकार। रोंदी कुरलोंदी रही बच्ची पर इस हैवान दे वलों क्रूरता दियां सब हद्दां कीतियां गईयां पार। बदसलूकी जिस तो बाद वड्डे सवाल खड़े हो गए सन कि आखिरकार देश दे विच कुड़ियां किस हद तक सुरक्षित ने। ऐसा ही मामला एक होर सामने आया जिस दे विच कि मेरठ दे विच एक नाबालिग कुड़ी नूं हैवानियत दा शिकार बनाया गया। लगातार विआह दा झांसा दे के उसने नाल शरीरक शोषण किया जाता है, जिस तो बाद मुंडे दे वल्लों उसनू ही जिहड़ा अपना शिकार बनाते हुए गैंग रेप करवाया जाता है। बाद दे विच उसकी वीडियो बना दी जाती है ऐसी हालत दे विच कि जिसनू देख के इस हैवाना की हरकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस वीडियो के वायरल होने तो बाद जिहड़ा है परिवारक मैंबरां दे वल्लों इस दोषी के खिलाफ जिहड़ा है कार्रवाई की गई है। इस सारे मामले के बारे तुहानू जानकारी देने आ, पर उस तो पहला जेकर तुसी हाले तक साडा फेसबुक अते यूट्यूब चैनल फॉलो ते सबसक्राइब नहीं किया तो जल्दी ना चैनल नू फॉलो ते सबसक्राइब कर लो ते नाल दी नाल बैल आइकन ते भी क्लिक कर लो ताकि हर एक तरह की अपडेट जिहड़ी है तुहाडे तक पहला पहुँच सके। तो हुण गल करते हैं मेरठ दे विच वापरी इस घटना के बारे। दरअसल मेरठ दे किथौर दे विच एक घटना वापरी है जिथे कि महज 16 साल की नाबालिग कुड़ी नू जंगल दे विच ले जा के उसकी कोल्ड ड्रिंक दे विच कुछ नशीली दवाई पिला के पहला उसके नाल गैंग रेप किया जाता है, बाद दे विच उसकी कुटमार की जाती है। तो ऐसी ही हालत दे विच उसने ही अपने प्रेमी दे वल्लों उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली जाती है। नंगन हालत दे विच उसकी वीडियो रिकॉर्ड करते हुए जदों ये बच्ची जिहड़ी है रोंदी बिलकदी उसनू कहिंदी है कि उसनू कपड़े पा ले जाण, उसने कपड़े पा लैण दो, बाद दे विच ऐसी कोई हरकत करनी है तां कर लिओ, उसकी जान बख्श दिओ। पर फिर भी इन्हां हैवानां दे वल्लों अपनी जिहड़ी क्रूरता दिखाई जाती है, हैवानियत दियां सब हद्दां पार कीतियां जांदियां ने। इह वीडियो है 3 महीने बाद वायरल हुंदी हुई नज़र आ रही है। जदों इह वीडियो उस कुड़ी दे भरा तक पहुँचती है तां परिवार तक पूरा यह मामला पहुँचता है, तां परिवारक मैंबरां दे वल्लों पुलिस दे कोल हुण जिहड़ा है मामला दर्ज करवाया गया। जानकारी सामने आउंदी है कि इस 16 साल नाबालिग नूं एक मुंडे दे वल्लों लगातार 2 साल तक उस दे नाल शरीरक शोषण किया गया सी, विआह दा झांसा दे के उसनू अपनी हवस का शिकार बनाया जा रहा सी। पर आखिरकार 3 महीने पहला उसने हैवानियत दियां हद्दां पार करते हुए अपने 4-5 दोस्तों के नाल उसनू जंगल दे विच लै जांदा, जबरदस्ती उत्थे उसनू कोल्ड ड्रिंक पिलाई जाती है जिस दे विच पहला तो ही कोई नशीली दवाई मिलाई हुंदी है। बाद दे विच अपनी इस हैवानियत नू दिखाउंदे हुए उस 16 साल नाबालिग दे नाल जिहड़ा है गैंग रेप किया जाता है और नाल ही उसकी कुटमार भी की जाती है। इस दौरान उसके सारे कपड़े उतार लिते जाते हैं, उसकी बकायदा एक वीडियो बनाई जाती है, मुंडे दे वल्लों धमकियां दित्तियां जांदियां ने कि वह इस वीडियो नू वायरल कर देगा, उसके घरदियां तक पहुँचा देगा। पर आखिरकार उसके वल्लों इस करतूत नू अंजाम दे ही दिता जाता है। 3 महीने बाद यह वीडियो वायरल हुंदा होया नज़र आ रहा है। इस सारे मामले ते दस दिंदे कि परिवारक मैंबरां दे वल्लों जिहड़ी जिहड़ा है मामला दर्ज करवाया गया उसके शाकिर नाम का एक नौजवान जिहड़ा है उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया, जिहड़ा है बेटी नू 2 साल तक बलात्कार करता रहा। यह सारी कंप्लेंट करवाई गई है उस पीड़ित बच्ची की माँ दे वल्लों। दस्या जांदा है कि शाकिर तो इलावा आलम, पप्पू अते नाल दी नाल 4-5 होर उसके दोस्त सन जो इस सारी घटना दे विच उसके नाल सारी इस घिनौनी वारदात दे वेले उसके नाल मौजूद सन। मुंडियां दे वल्लों बकायदा पहला कुड़ी नू अपना हवस का शिकार बनाया गया, बाद दे विच उसके नाल ऐसी हरकत की गई। इस सारे मामले ते जो जानकारी सामने आ रही है कि हुण इन्हां दोषियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया जिस विच कि धारा 143, 328, 323, 354, 506, 376 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने जिहड़ा है अगे की कार्रवाई दे लई इन्हां नौजवानों दे विचों 3 नूं जिहड़ा है गिरफ्तार भी कर लिया गया। पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी क्योंकि बच्ची जिहड़ी है नाबालिग है, इस बच्ची दे नाल ऐसी क्रूरता दिखाई गई है। नाल दी नाल 164 दे जिहड़ा भी दस्या जांदा मामला दर्ज किया गया, अरेस्ट किए गए 3 नौजवानों के कोलों जिहड़ा है हुण सारे
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਆ ਉੱਥੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਹਰਕਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘਿਨੌਨੀ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਰਕੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਅਗੋਰੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਇਨ ਕਾਮਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ ਕੇਵਲ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁੜਵਾਓ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਵਾਹ ਝਗੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸਿਰਫ 11 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤਾਂ 100% ਲੋਟਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਾਲ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਕਰੋ 9460170252 ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਮਖਿਆ ਪੀਠ ਗੁਹਾਟੀ ਅਸਮ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਹੈ 78101